दतिया जिले के सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत खमरोली में रेत खदान पर आधी रात को दो गुटों में फायरिंग हो गई। फायरिंग में गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया है। घायल को ग्वालियर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक रेत खदान चलाने को लेकर गोलू गुर्जर और जनक यादव में विवाद हो गया और गोलीबारी हो गई। गोली लगने से मधुराज गुर्जर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भूपेंद्र गुर्जर नामक युवक घायल हो गया है। रेत माफियाओं में रेत खनन को लेकर विवाद हुआ। गोलीबारी दतिया जिले के सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र के अतुरेटा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत खमरोली रेत खदान की घटना है। जानकारी के अनुसार बुधवार गुरुवार के दरमियानी रात 1:30 बजे दो पक्षों में फायरिंग हो गई। गोली लगने से मधुराज गुर्जर निवासी जिला भिंड की मौत हो गई। एक युवक घायल हो गया, जो ग्वालियर जिला अस्पताल में भर्ती है। घायल युवक को ग्वालियर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि रेत ठेकेदार ने एक ही रेत खदान पर निकासी के लिए दो पॉइंट बनाए हुए थे। एक ही रास्ता होने के चलते पहले भी विवाद हो चुका था, लेकिन पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। रेत माफियाओं में आपस में चली गोलीबारी की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पुलिस बल के साथ SDOP सेवड़ा अखिलेश पुरोई गोस्वामी घटनास्थल पर पहुंचे और अतुरेटा थाने में गोलीबारी करने वाले बदमाशों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। शिव रमन सिंह राठौर की रिपोर्ट। मठा और गोलू गुर्जर अपने बाद के बाद और बंटी यादव है और नीटू यादव और पांच अज्ञात। विवाद किस बात को लेकर? विवाद खदान को लेकर था। जनक यादव जो चला रहे थे पूर्व में, वो उस खदान पे ये चाहते थे कि हम लोग काम करें। इस बात को लेकर इनका रात में विवाद हुआ है।